मत्तियस की अंजील बाब नंबर 13। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, तो इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और यकूब और योहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त क्या निशान हो है। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि हब्रदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक्य होना ज़रूर है लेकिन उस वक्त हातिमा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह बंचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, लेकिन तुम हबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वो ही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुद्स है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। पर जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को उस जगह खड़ी हुई देखो जहाँ उसका खड़ा होना रवा नहीं, पढ़ने वाला समझ ले, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे ना अंदर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हो और जो दूध पिलाती हो, और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि हिलकर से शुरू से जिसे खुदा ने हल्क किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। और अगर खुदावन उन दिनों को ना गिटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की हाथे जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम हबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीख हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुवते आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी, और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को बेचकर अपने बरगजीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लोगे कि वह नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। हबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा।
ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। आमीन।